like you. Be strong to hold the power. So hi guys, welcome to the channel. So I hope आप सब बढ़िया हैं. So आज मैं एक चीज़ लाया है जो ही GoPro का माइक है. So इसको मैंने ऑर्डर किया था iamastudent.com से. So आप भी एक बार चेकआउट करो, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. So चलो अनबॉक्सिंग करेंगे इसको. तो हमें कुछ इस टाइप का पैकिंग है, मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया इसको. सो एक बबल रैप है. सो आप देख सकते हो GoPro 3.5mm माइक अडाप्टर. सो करेंटली एक्चुअली मेरे पास GoPro का 2018 है, GoPro 2018. सो उसके लिए मैंने ये मंगवाया था. सो चलो इसको भी अनबॉक्सिंग कर लेते. बैक साइड एक सील है. तो इसमें सिर्फ आपको एक माइक एंड दैट्स इट गाइस, एक माइक ही मिला इसमें. सो ये है GoPro का माइक. सो यहाँ पर GoPro का आई थिंक आप लोगों को देख सकते हो GoPro माइक. देन टाइप सी जो कि GoPro सपोर्टेड है. सो दैट्स इट गाइस. सो GoPro माइक अडाप्टर. सो ये जिस साइट से मैंने मंगाया था iamastudent.com, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा. अगर आपको भी ये माइक परचेस करना है तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं. आज हम ये प्रोसेस देखेंगे जो हमारा GoPro 2018 है उसको हम एक्सटर्नल GoPro माइक अडाप्टर कनेक्ट करके एंड जो हमारा माइक कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, वो वाला प्रोसेस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है ये मोनो का माइक्रोफोन है. सो ये इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा. सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. सो ये मेरा हेलमेट है गाइस, टच का शिफ्टर है. सो इसमें मैं एक्चुअली ये जो साइड पैडिंग है, कोई भी हेलमेट अगर आप लिया तो ये साइड पैडिंग जो है इसको आप रिमूव करके, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर आई थिंक ये सो माइक्रोफोन का केबल वगैरह यहाँ पर मैंने रख के लॉक कर दिया. सो गाइस यहाँ पर जो पैडिंग है उसको निकालने के बाद थोड़ा सा जो माइक्रोफोन है उसको मैंने बाहर रखा एंड जो कनेक्टर है इसको भी मैंने बाहर रखा. सो अभी हम इसको GoPro के साथ कनेक्ट करेंगे. सो गाइस ये मेरा GoPro 2018 वर्जन है, मैं इसको अमेजोन से ही परचेस कर लिया. एंड ये माउंट जो है इसमें इसको मैंने ऐसे फिट कर दिया एंड जो हमारा GoPro का माइक है जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सो इसको मैंने एक्चुअली बस यहाँ पर जो क्लैंप है इसको टाई किया. एक्चुअली ये इसका जो हमारा ये केबल है ये काफ़ी छोटा है, सो इसको यहाँ पर जो एंगल है ये परफेक्ट है. सो इसलिए मैंने इसको टाई किया, कहीं स्टिक नहीं किया, ताकि ये जो माइक है आपको एडाप्टर है जो आप बाहर कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए मैं इसको कहीं स्टिक नहीं किया है. एंड वन मोर थिंग, GoPro का ये जो अडाप्टर है इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी जो है केबल अडाप्टर इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा. ओके सो ये सेट हो गया. एंड एक्चुअली अगर आप ये देखेगा तो आपको पता लगेगा ये इसका कवर है जो कि मैंने निकाला है. इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको पकड़ के थोड़ा ड्रैग करना है तो ये निकल के बाहर आ जाएगा. तो भाई GoPro को मैंने अपना हेलमेट के साथ माउंट कर दिया. एंड अभी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सो ये जो माइक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो 3.5mm जाके जो सिल्वर कलर में है इससे रिकॉर्ड करने से ऑडियो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. एंड इसके साथ जो ये गोल्ड कलर का अडाप्टर है ये आपको इसके साथ ही मिल जाएगा, तो बॉक्स के अंदर मिलता है, इसको आप यूज़ करो. इससे आपको ऑडियो क्वालिटी जो है ये अच्छा आ रहा है. तो अभी हम माइक को यूज़ करेंगे. सो पहले जो मैंने आपको बताया था ये जो अडाप्टर है इसको माइक पे इंसर्ट करेंगे, मतलब माइक अडाप्टर पे. ओके
ये जो कनेक्टर है ये इंसर्ट हो गया, एंड इसके बाद जो हमारा 3.5 mm जाक है, इस माइक का जो जाक है इसको भी हम इंसर्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया एंड ये है हमारा माइक। एक्चुअली मैं ये पूरा सेटअप नहीं है, मैं इसको और अच्छे से फिट करना है। इसको मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ पर कहीं ऐसे फिक्स कर दूँ ताकि ये कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए। तो यहाँ पर फिक्स करके मैं एक ऑडियो टेस्ट दे देता हूँ आपको, इसका ऑडियो कैसे आ रहा है। सो आई होप गाइस ऑडियो आप सुन पा रहे होंगे। जो अभी ऑडियो आ रहा है ये माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। सो जो अभी हम एडाप्टर के साथ जो माइक्रोफोन कनेक्ट किया उसी से आपको आउटपुट आ रहा है। आई होप ये लाउड आ रहे होंगे। सो गाइस आई होप ये प्रोसेस जो है आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर एक कॉमेंट कर लीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। ये जो मेरा GoPro है एक्चुअली 2018 का वर्षन है, ये GoPro Hero 5 नहीं है। आपको एक पैच मिलेगा जिसमें आप इसको GoPro Hero 5 बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये GoPro Hero 5 में जो फीचर्स है वो आपको डिस्प्ले करेगा। एंड नेक्स्ट थिंग ये जो माइक है इसके साथ ये अडाप्टर आएगा, इसको यूज़ करने से ही आपको ऑडियो रिकॉर्ड होगा। एंड थर्ड पॉइंट है मेरा, ये जो GoPro है इसके अंदर आप सेटिंग्स में जाके स्टैंडर्ड माइक सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड क्विक कैप्चर जो फीचर है GoPro के अंदर, जो कि ये पावर बटन प्रेस करने से रिकॉर्ड होता है एंड पावर बटन प्रेस करने से बंद हो जाता है, तो वो फीचर माइक कनेक्ट करने के बाद अवेलेबल नहीं होगा। आपको GoPro को जब वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो मैन्युअली जाके ऑन करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। एंड अगर आपके पास कोई पावर्ड माइक है आप, आई होप आपको क्विक कैप्चर जो है वो काम करेगा। सो मेरी तरफ से तो इतना ही है और कुछ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।